वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ पे क्या है, दो हाफ सर्कल है। क्या है? दो हाफ सर्कल है। ए बी इसका क्या हो जाएगा? डाया हो जाएगा। और सी डी इसका क्या डाया हो जाएगा? और ये डाया दे रखा है इसका, ए बी यानी फर्स्ट वाले सर्कल का कितना है, टू है, और इसका भी टू है, यानी दोनों जो सर्कल हैं सेम है और सेम डाया है। तो यहाँ पे जो आपको निकालना है वो पूछा गया है, डिस्टेंस बिटवीन ए डी यानी ए और डी के बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो ए और डी की डिस्टेंस निकालनी है, तो आइए चेक करते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले देखो हमें ए डी की निकालनी है, मतलब ये पॉइंट एक किसी एक पॉइंट पी, ये पी पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, इस पॉइंट का नाम है क्या पी। तो यहाँ से हमें ए और डी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी अगर हम इसको ए को डी के मिलाएं ए, तो यही डिस्टेंस हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो डिस्टेंस बिटवीन ए डी निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो रेडियस पता है, अगर डाया पता है तो रेडियस पता है, यानी अगर इसका हाफ कर दें, इसका हाफ कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसको भी हाफ करते हैं, यानी ये रेडियस इसका क्या हो जाएगा, वन, और ये वन। ठीक है, और ये क्या है इसका, ये भी रेडियस ही होगा, हाफ सर्कल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, वन। ठीक है, तो ये बता दिया ये हाफ सर्कल है, ये भी हाफ सर्कल है, यानी कि हमने डिवाइड कर दिया रेडियस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पॉइंट देखते हैं, और अगर इसके सेंटर से यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें और इसको इससे मिला दें, ठीक है, और इसको यहाँ से मिला दें। ठीक है, हमें ये सिर्फ ट्रायंगल, ब्लू वाला ट्रायंगल ही देखना है, मतलब ये ट्रायंगल देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वन है, ये हमें पता नहीं है, और ये कितना है, वन है, और ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ इसकी रेडियस है, यानी ये हो जाएगा वन, और ये भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, टू हो गया, और ये वन है, और ये वन है, तो यानी ये हम टोटल बता सकते हैं, ये बात, यानी ये टोटल कितना निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वन है और ये टू है, तो पाइथागोरस थ्योरम से लगाओगे तो इसकी जो डिस्टेंस, अगर हम इसको एम बोल दें और इसको एन, यानी एम एन, इसका स्क्वायर जो हो जाएगा, यानी वन का स्क्वायर, सॉरी ये करते हैं टू का स्क्वायर माइनस में वन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा फोर माइनस वन, यहाँ पर आ जाएगा थ्री, यानी m और n के बीच की जो डिस्टेंस आई वो आई कितनी, स्क्वायर रूट थ्री। m से लेकर के n के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, रूट थ्री। ठीक है, अब देखो यहाँ से यानी पॉइंट a से, पॉइंट a से इस सेंटर तक कितना है, वन, मतलब ये यहाँ से यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ई एन, अगर इसको हम कुछ ई एम डैश बोल दें। ठीक है, ई एम डैश बोल दें, तो यहाँ से देखो अगर हम टोटल निकालें, यानी ए और डी, इसको एक ट्रायंगल बना दिया, अब ये ट्रायंगल देखना है जो मैं ब्लैक से सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखना आपको, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो अब ये देखो, तो यहाँ से यहाँ कितना है, ये वन है, और हमें यहाँ से यहाँ डिस्टेंस पता है क्या, देखो क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना है, रूट थ्री है, और ये क्या है, ये रेडियस है, ए भी कितनी है, वन है, यानी ये वन हो गया, ये रूट थ्री हो गया, और ये वन हो गया, यानी टोटल एम डैश और ये डैश, यानी अगर एम डैश से डी के बीच की डिस्टेंस देखें तो कितना हो जाएगा, वन प्लस रूट थ्री प्लस वन। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा टू प्लस रूट थ्री। ठीक है, समझाया, क्योंकि ये हो गया वन, और यहाँ से यहाँ हो गया रूट थ्री, और यहाँ से यहाँ हो गया वन, यानी ये वन और ये वन टू हो गया, और रूट थ्री टू प्लस रूट थ्री। ठीक है, यहाँ पे हो गया, और ये पता, अब हम क्या कर रहे थे, हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, यानी ए डी का जो स्क्वायर होगा ये हो जाएगा कितने के बराबर, इसके यानी ए एम डैश के स्क्वायर प्लस में एम डैश डी डैश के स्क्वायर के। तो यहाँ ये से एम के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वन, वन का स्क्वायर प्लस एम से डी के बीच की डिस्टेंस निकाल दिया हमने, टू प्लस रूट थ्री इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो यहाँ से हो जाएगा वन स्क्वायर प्लस में हो जाएगा फोर प्लस थ्री प्लस टू टाइम्स टू ए बी, यानी टोटल कितना हो जाएगा, फोर रूट थ्री। ठीक है, इसको ऐड करो, वन का स्क्वायर हो जाएगा वन, और वन और प्लस फोर कितना, फाइव, फाइव थ्री एट, यानी कितना आ गया, एट प्लस फोर रूट थ्री, और ये कितना हो गया, ए डी का स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, स्क्वायर रूट, यानी ये हमें निकालना था। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए डी की वैल्यू पता चल गई है। ठीक है, ये यूनिट हो जाएगी, यानी ए डी की वैल्यू जो आई वो आई कितना, स्क्वायर रूट में एट प्लस फोर रूट थ्री। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, आगे वैल्यू रूट थ्री की वैल्यू रख दोगे कितना होता है, 1.732, ये वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करोगे, फिर एट ऐड करोगे, फिर कैलकुलेटर से करोगे तो उसकी एक अलग वैल्यू आएगी, लेकिन जो मेन था वो यहाँ तक आएगा। ठीक है,
तो आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा एटी के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग था, अगर नॉर्मली देखोगे तो आप जल्दी से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम और थोड़े से कॉन्सेप्ट सर्कल के पता है तो आप ज़रूर से इसे सॉल्व कर लोगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।